तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आपका। होप आप सारे के सारे ठीक होगे। और आज हम लेके आए हैं वीडियो रिएक्शन जो कि है लीशा जोगी जी कहती हैं प्लीज रिएक्ट ऑन कवर सॉन्ग ऑफ जान निसार बाय यामी पूरी एमी प्लीज ए एम आई का मतलब क्या हुआ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, यस प्लीज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। और बस उनके बाद मैंने बॉलीवुड देखना छोड़ ही दिया, वो सभी नहीं छोड़ दिया एक्चुअल में हमने सब ने। ओके जान निसार, ये केदारनाथ मूवी का सॉन्ग लग रहा है मुझे या कोई और मूवी का, तो प्लीज़ आप बताएं। ये कवर सॉन्ग गाया है लीशा यामी पुरी जी जो कि है नेपाल से, उन्होंने ये कवर सॉन्ग गाया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए ये गाया गया है उनको वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको। चलो देखते हैं इस रिएक्शन बाद में करेंगे बातें। सो गाइस 1 2 3 नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो रिएक्शन प्ले। हेलो माय डार्लिंग सब्सक्राइबर्स, आई हेलो होप कि आप सभी अच्छे हैं। हो हिंदी, वी आर गोना बी सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम केदारनाथ जो सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेट करके हैं, ट्रिब्यूट किया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा अच्छा म्यूजिक। ओ आवाज देखो यार, प्यारी आवाज अब बहुत। रोना आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। This is live, I forgot to tell, and then yeah, I forgot to tell one more thing. He is my little brother, Aku Iruhe Inkana,
एंड आपको ही गए गिव हिम अ लॉट्स ऑफ लव उनके लिए भी प्यारा प्यारा कमेंट भेज देना बिकॉज ही हेल्प मी अ लॉट मेकिंग दिस सॉन्ग यू नो लाइक सक्सेसफुल सो प्लीज यार भाई को कमेंट करें इसलिए थैंक यू सो मच आपको आई रियली अप्रिशिएट इट आपको है उनका नाम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टिल देन आप सब भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर होपफुली बहुत प्यारे हैं ये के साथ भी है ना आपको बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी है ना यार मीठी मीठी आवाज़ होती है ना पर आपको एक मैं सच्ची में बता रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि इमोशनल ना हूँ बार बार आँख में पानी आ रहा था एक तो सुशांत सिंह राजपूत सर के कारण वो हो गया इमोशनल हमें यादें आती हैं ना कैसे उन्होंने फिल्में की मूवी की इवन कि मेरे फेवरेट एक्टर थे वो अभी भी हैं ऐसे नहीं हमारे दिल में हमेशा रहेंगे भी और जब भी मैं देखता हूँ ना ऐसे ज़्यादा मैं इग्नोर कर देता हूँ ऐसे कि नहीं यार क्योंकि इमोशनल हो जाता हूँ उन तरह से सोचने लग जाता हूँ कितना कैरियर बनाया ये किया वो किया पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और बाद में जब इनकी आवाज़ ने ना बहुत ही कभी हार ऐसे जब वो सुर सा लगाया था ना ऐसे दिल में ऐसे हो रहा था वाह यार बस इनको ही सुनते रहें आँखें बंद करके बहुत मन कर रहा है इनको लाइव देखने के लिए और आप अगर देख रहे हो मुझे प्लीज़ आप ऐसे ही सॉन्ग गाते रहें और इंडिया से आपको बहुत सारा प्यार है और आल्सो भाई साहब आप सारे ना इन जो भाई गिटार बजा रहे थे उनके उनको भी सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कमेंट भेजें जैसे कि कहा था उन्होंने और यार बहुत ही सुंदर था और मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ शाहरुख खान मूवी का एक सॉन्ग है ना सॉन्ग नहीं एक डायलॉग है थोड़ा और मुस्करा लो जियो कि लास्ट हो बस क्या पता कल हो ना हो ऐसे है ना बस कल हो ना हो होता है तो आप जो भी आपको कोई भी टेंशन है जिसकी भी है पहले तो आप सबसे शेयर करें सारा कुछ ये प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं होती आप शेयर करें सबके साथ फ्रेंड के साथ जाएं अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो एक बात सोच लो कि जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना आप हमारे रिलेटिव में कोई ना कोई जब हम जाते हैं वो देखते हैं वो चले गए हमें छोड़ के तब आप वो वाला पल सोचें उसके बाद आप सोचें कि हमने भी जाना है आप सोचें कि आपका ये लास्ट दिन है आप जितना एंजॉय कर सकते हो करो टेंशन लेके हम क्या कर लेंगे ठीक है वैसे हमें मुझे भी टेंशन होती है तो मैं यही चीज़ सोचता हूँ मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है कि लास्ट दिन है टेंशन आती है तो आती रहे तो गाली दे दिया करो टेंशन दी माँ दी तो होप आपको ये मेरी वीडियो रिएक्शन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है एक्चुअल में यार ये कोई मेरी रिएक्शन नहीं है मैं बस म्यूज़िक देख रहा होता हूँ और आप इतना अच्छा प्यार दे रहे हो आप नेपाल से और नेपाल दिल में बसा हुआ है अंदर हमेशा के लिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो और मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी ऐसी डिमांड हम पूरी करते रहेंगे प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और नेवर गिव अप ओके बाय गाइस